हिना क्या है मामला आपका पूरा? मेरी शादी यहाँ किशनगढ़ में हुई थी, मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरा नाम हिना महेश्वरी है, मेरे पति का नाम विजय महेश्वरी, सास का नाम सुशीला महेश्वरी, गुलाबचंद लड्डा मेरे ससुर जी का नाम है, कोमल महेश्वरी नणन, सोनम महेश्वरी नणन और तीसरी नारायण कुसुम महेश्वरी। शादी यहाँ पे हुई थी कहने गार्डन में किशनगढ़ में। 34 दिन के बाद मुझे मेरे वाले निकाल दिया। तरह तरह से मुझे टॉर्चर करते थे, कभी पैसे मांगते थे, कभी कुछ कहते, तेरे बाप से मुझे ये अरमान थे वो अरमान थे, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। इस तरह से मुझे बार बार मेंटली डिस्टर्ब करते थे। मेरी नारायण तो कुछ ज़्यादा ही है, मेरी सास सबसे ज़्यादा है। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी 11 मई 2018 को हुई थी। उसके कितने दिन बाद में आपको यहाँ रखा? 34 डेज ही मैं यहाँ पे रही थी, उसके बाद मुझे निकाल दिया था। फिर मेरे पापा को मुझे बुलाना पड़ गया, मेरे ससुराल वालों ने ही बुलाया था। बाद में मैंने कहा कि आप आ जाओ पापा, मुझे लेकर जाओ। फिर वो मुझे लेकर गए। लेकर जाने के बाद 15 दिन में ही मेरी सास ने मुझ पर केस किया। उसके बाद मैं 3 बार पेशी पे भी आई, वो फिर भी मुझे बोला लेकर नहीं गए। जब लेकर नहीं गए तो 3 महीने के बाद मैंने वहाँ पे अहमदाबाद से दर्ज किया था केस 498A और 125। 498 तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर रुक के ख़त्म करवा दिया, वापस करवा दिया। ये कहा था कि हम आपको ले जाएंगे और अच्छे से रखेंगे। 125 जब मैं यहाँ पे दोबारा आई, पेंडिंग था वो केस, दोबारा मैंने जाके अहमदाबाद जाके ख़त्म किया था वो केस। उसके बाद 2 महीना मैं यहाँ पे रही, उसके बाद उन लोगों ने मुझे 2 दिन में ही निकाल दिया। जब मैंने जैसे ही मेरा दूसरा केस ख़त्म हुआ तब मैं यहाँ पे वापस आई हूँ तो मुझे रख नहीं रहे हैं। बोले हम आपको नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरे पति का कहना है कि मैं उनकी मदर को और उनकी बहन को, दोनों को परेशान करती हूँ, तरह तरह से मैं उनको हैरेस करती हूँ या मैं धमकियाँ देती हूँ कि मैं अरेस्ट करवा दूँगी आप लोगों को। और मुझे यहाँ पे धमकियाँ मिल रही है, आधा उधर कर मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर आप डिवोर्स नहीं दोगे आपको तो हम डिवोर्स करवा के ही रहेंगे, 3 महीने में आपका डिवोर्स होके ही रहेगा। हिना चले जाओ यहाँ से, चले जाओ किशनगढ़। और मुझे ये भी कहा जा रहा है आप बाबूलाल को जाके पैसे दे दो कोर्ट में, आपको 2-3 हज़ार दे दोगे तो आपको आदेश मिल जाएगा घर में जाने के लिए। ये कहा जा रहा है आप अहमदाबाद चले, यहाँ पे क्यों टाइम खराब कर रहे हो? किस तरह का आदेश है ये, क्या है? मतलब यही आदेश है, मुझे पावन कर दिया है, घर में लेने मतलब घर में नहीं जा सकती, मेरे तरफ से आदेश दिया जा रहा है। सर 30-40 लाख रुपए की जो बात थी, मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर कहा था कि अगर आपको चाहिए डिवोर्स दे दो, अगर आपको चाहिए तो हम दे देंगे। अभी SHO ने कहा था कि अगर आपको तो वैसे भी 50 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे शांति, अगर नहीं रखोगे तो मेरे ससुर जी ने कहा हम 30-40 लाख रुपए तो अभी भी दे सकते हैं, अगर डिवोर्स अभी चाहे तो दे सकती है। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती ना डिवोर्स, लेकिन मुझे पैसे का लालच दे रहे हैं। मुझे इसके पहले भी मेरे घर पे थी, 15-20 दिन पहले मेरे को कॉल आई थी घर पे कि अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो हम आपको राशि दे देंगे। ये इन लोगों ने आपको प्रपोजल रखा होगा इस तरह से। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? और मेरे हस्बैंड भी मुझे एक उनके जो फ्रेंड है, उनके फ्रेंड घर पे आए हुए थे दिल्ली से, उनके साथ मुझे बदनाम कर रहे हैं कि इसका चक्कर है ये है वो, आपकी इनकी जो उनकी मेरे जो फ्रेंड उनके जो फ्रेंड है जहूर वो दिल्ली से हैं, उनकी वाइफ को मैसेज करते हैं कि उनकी वाइफ से वो बात करते हैं। मतलब मैं तो बात करती हूँ लेकिन मेरे भैया समझ के बात करती हूँ, लेकिन वो लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और वो भी उनके साथ मिले हुए हैं, जहूर भी मिले हुए हैं और वो भी मिले हुए हैं। उन लोगों ने ही मुझे उकसा के लास्ट टाइम घर से बाहर निकलवाया था। हिना अभी आपकी जो ननद की शादी है, क्या आपको इन्वाइट किया उन लोगों ने? नहीं सर, मुझे कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। मैं 3 महीने से मुझे तो अप्रैल से पता था कि उनकी शादी होने वाली है, लेकिन मुझे कोई इन्विटेशन नहीं मिला। मैं वेट कर रही थी कि अब मुझे बुलाया जाएगा, थक के हार के मैंने 10 दिन पहले ही नोटिस भेज दिया कि मैं अब आने वाली हूँ। अगर मुझे कोई अड़ंगा डालना होता तो मैं सीधा केकड़ी पहुँचती, महेश्वरी का मैं पहुँचती शादी के दिन, लेकिन ऐसा नहीं चाहती थी। मैं इन्फॉर्म करके आई हूँ, बाकायदा आई हूँ इन्फॉर्म करके। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ससुराल में रहना चाहती हूँ अच्छे से। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको नहीं रखेंगे क्योंकि आप ऐसे हो, वैसे ऐसा करते हो, हमें फंसाने की धमकियाँ देते हो, हमें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियाँ देते हो, रेप केस लगाना चाहते हो, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं सर। ठीक, आपका नाम? हिना महेश्वरी। राकेश महेश्वरी, हिना का पापा। मैं शादी की है, जब से मेरी बेटी को कोई रहने नहीं दे रहा, मैं यहाँ का पुलिस प्रशासन हमारी कोई बात सुन नहीं रहा। आज मैं 5 दिन से दर दर की ठोकर खा रहा हूँ लड़की को लेकर। पुलिस स्टेशन जाता हूँ, आश्वासन देते हैं ये करो वो करो, बाकी कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऊपर से नीचे तक सब धक्के ही खिला रहे हैं। अंकल क्या कारण है, क्योंकि अच्छे से आपने शादी करी, फिर ऐसा क्या कारण रहा जो नहीं रखना चाह रहे, क्या कहते हैं? मेरी बेटी को दहेज के पैसे के लिए, पहले बार पैसे के लिए मारपीट करके भगाया, मैं लेने आया था, लेके गया घर, वापस इन लोगों ने केस किया। 5 लाख रुपये मंगाए थे, बोलती है मैं अपनी बेटी को 25,000 रुपये महीने पर महीने देती हूँ, उसका पूरा ससुराल का खर्च उठाती हूँ। क्या तेरा बाप उठाएगा? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं फैक्ट्री मजदूर हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ से ला के दूँगा? इसके लिए मेरी बेटी को प्रताड़ना देते हैं लोग। किस अरमानों से आपने शादी करी थी अपनी बेटी की? मेरी लड़की मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, परिवार मिले, मेरे समधी अच्छी हो, ससुराल अच्छी हो, ये देख के सोच समझ के मैंने शादी की थी। लेकिन ये लोग किसी काम के आदमी बेकार हैं। अब क्या दर दर की ठोकरें आप किशनगढ़ में खा रहे हैं, तो क्यों सुनवाई नहीं हो रही आपकी, क्या कारण है?
ऊपर से दवान है, फोर्स लगाते हैं लोग, पैसे वाले पैसा दे लेके पूरा दवान दे रखा है, तो कोई काम करता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं हमारी, कहाँ जाएं हम। अब क्या चाहते हैं अंकल आप? मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का घर बसा रहे, वो बोलती है मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। ठीक है, आपका नाम? राकेश बी महेश्वरी।